हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम्स अब आप सबके बहुत ही पास में आ चुके हैं एंड आई होप आप सबने अभी तक सारे चैप्टर्स पढ़ के प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पास्ट ईयर के जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपको एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो भी आपने पहला क्वेश्चन देखा है, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के चैप्टर्स का है। ये चैप्टर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एवरी टू इयर्स में एक बार तो 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारे सामने, इस क्वेश्चन में हमें टोटल 3 चीजें पूछी है। क्या? कि पहली चीज कि क्यों हम सर्टेन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दूसरा, हमें अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स के होमोलोगस सीरीज के बारे में बताना है। उसी के साथ साथ अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स के फर्स्ट मेंबर का स्ट्रक्चर को हमें ड्रॉ करना है। और जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें यह बोला है कि अगर मुझे अल्कीन्स को अल्केन्स में कन्वर्ट करना है तो उस रिएक्शन का नाम क्या है और उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो चलिए अब हम एक एक करके सारे पार्ट्स को आंसर करना शुरू करते हैं। तो जब भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को आंसर करना हो, आप हमेशा जिस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन पूछा है उसी ऑर्डर में आप आंसर करें और एकदम सेक्शन वाइज इसको आप सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा है कि क्यों हम कुछ कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जैसे कि आपका नाम सजेस्ट कर रहा है, हाइड्रो और कार्बन, मतलब कि ये ऐसे कंपाउंड्स है जहां पे आपके हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इसलिए हम सर्टेन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। और ये एक गुड प्रैक्टिस है कि आप हर किसी के साथ में एक एग्जांपल दें। तो यहाँ पे आपके एग्जांपल क्या होंगे? एग्जांपल होगा आपका मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4। तो अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन ही है तो ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है। सेकेंड, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज एक जनरल फॉर्मूला है जिसमें अगर हम कुछ वैल्यूज को ऐड करें तो हमें नेक्स्ट मेंबर्स मिलते जाएंगे। तो हमें यहाँ पे ये पूछा है कि अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स का मुझे होमोलोगस सीरीज बताना है। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स का होमोलोगस सीरीज बताना है। तो यहाँ पे अल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब जैसे जैसे यहाँ पे आप n की वैल्यूज डालते जाएंगे तो यहाँ पे आपका अल्केन्स के सारे फॉर्मूलाज बनते जाएंगे। उसी तरह अल्कीन का क्या होगा? CnH2n। उसी तरह अल्काइन का क्या होगा? CnHn, H2n-2। तो इस तरीके से आप अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइन्स का होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब हमें इसी के साथ इनके फर्स्ट मेंबर का स्ट्रक्चर देना है। तो अल्केन्स का फर्स्ट क्या होगा? अल्केन्स का फर्स्ट मेंबर होगा CH4, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। नेक्स्ट अल्कीन्स, अल्कीन्स का फर्स्ट मेंबर क्या होता है? C2H4, जिसका स्ट्रक्चर होता है आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और उसी के साथ में हर एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन आपके अटैच्ड है। अल्काइन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है? अल्काइन का फर्स्ट मेंबर होता है C2H2। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर होगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और हर एक कार्बन के साथ आपका एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब हम इसके लास्ट पार्ट में आते हैं जहां पे हमको रिएक्शन को नेम करना है, कि जहां पे ऐसी रिएक्शन जो अल्कीन्स को अल्केन्स में कन्वर्ट करती है। तो ये जो रिएक्शन है ये हम बात कर रहे हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब कि मैं अल्कीन्स में हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूं। तो इसके एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये एग्जांपल लूं, मैं अगर इथीन लूं तो इथीन में अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड करूं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल यहाँ पे आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो मुझे क्या मिलेगा? अब ये हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा H3C, मतलब कि मुझे इथीन से इथेन मिलेगा।
सो यहां पे आपके इस तरीके से आपको इस 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को आंसर करना है। आपके स्क्रीन पे जो भी आपने क्वेश्चन देखा है, ये आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर का है। ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर सेकेंड ईयर में आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि अगर आपको एक कार्बोनेट ओर दिया है और इस ओर का जो एलिमेंट है वो आपके रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में लाई करता है, तो आप इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, हमें उसके स्टेप्स लिखने हैं। तो यहाँ पे मेरा ओर कैसा है, यहाँ पे जो मेरा ओर है वो है कार्बोनेट ओर। तो कार्बोनेट ओर को सबसे पहले हम कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन में जहां पे आप लिमिटेड या इन एब्सेंस ऑफ एयर में आप हीट करते हैं, जिसकी मदद से हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। वंस उसका ऑक्साइड हो गया तो फिर हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन से बाद में हमें इम्प्योर मेटल मिलेगा, तो इस इम्प्योर मेटल को हम रिफाइनिंग करेंगे जिससे मुझे प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। अब इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में जो आपको पूछा है वो ये बोला है कि आपके पास अगर कॉपर का सल्फाइड ओर है तो इस सल्फाइड ओर को आप रिएक्शंस की मदद से बताइए कि आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे जो मेरे पास कॉपर का सल्फाइड ओर है विच इज Cu2S, तो कॉपर के सल्फाइड ओर है। अब क्योंकि ये सल्फाइड ओर है तो यहाँ पे हम कैल्सिनेशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने का मतलब है मैं इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहा हूं, जहां से मुझे Cu2O मिलेगा और मेरा SO2 बन के यहाँ पे सल्फर निकल जाएगा। हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। तो जब मैं इसको बैलेंस करने जाऊंगा तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ पे मेरा सब कुछ बैलेंस्ड है एक्सेप्ट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितना है, 2+1 3, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ही है। अब 3 से 2 में मुझे अगर करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब मैं देख सकता हूं कि ऑक्सीजन भी मेरे दोनों साइड बैलेंस हो चुका है, लेकिन हम जनरली रिएक्शन को इस फॉर्म में नहीं रखते। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो आएगा Cu2S+3O2 विल गिव मी 2Cu2O+2SO2। तो यहाँ पे अब अगर आप चेक करेंगे तो पूरी रिएक्शन आपकी फिर से बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में जब एक बार मुझे ये कॉपर ऑक्साइड मिल गया है तो इसको हम कॉपर सल्फाइड की मदद से ही वापस से रिडक्शन करते हैं, जहां पे हम फिर से कॉपर और SO2 बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये मेरी अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, तो इसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मेरे कितने कॉपर है, यहाँ पे मेरे 4 कॉपर है और मेरे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो अब मेरा कॉपर अनबैलेंस हो गया, तो वो कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 4+2 = 6, तो यहाँ पे मुझे 6 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब मेरी ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। तो हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन इस तरीके से करते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, इसमें हमें पूछा है कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, आप उसका डायग्राम बनाइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में आपको ये कहा है कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसका एक वेल लेबल्ड डायग्राम बनाए और उसी के साथ इस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे आपको डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाना है। ये डायग्राम आपका टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, जहाँ पे आपका एक टैंक है और ये टैंक के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स आपके कॉपर एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर इमर्ज्ड है और साथ ही में ये बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो हमारे ये इलेक्ट्रोड्स है, एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड पे हम इम्प्योर मेटल को लेते हैं और कैथोड पे हम प्योर मेटल को लेते हैं। मतलब कि एनोड पे आपका इम्प्योर कॉपर है और कैथोड पे आपका प्योर कॉपर है। तो यहाँ पे इसी के साथ और ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम एनोड से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड से कनेक्ट करते हैं। अब लास्टली इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा आपको ऐसी रिएक्शंस लिख देनी चाहिए। ये आपका एग्जामिनर पे इंप्रेशन जमाने में बहुत ज्यादा काम आता है।
तो एनोड पे हमें पता है हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब यहां से आपका कॉपर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2+ बना के सोल्यूशन में चला जाएगा। अब कैथोड क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से वो कनेक्टेड है, इसका मतलब इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वापस कैथोड से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इम्प्योर कॉपर प्योर कॉपर के कैथोड पे जाके स्टिक हो जाता है। आपके सामने स्क्रीन पे जो भी आपने तीसरा क्वेश्चन देखा है, इस क्वेश्चन में आपको तीन पार्ट्स में पूछा है और ये क्वेश्चन आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के चैप्टर में से है। इस चैप्टर से एवरी 3-4 ईयर्स में एक बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर में जो इस क्वेश्चन में जो हमारे तीन पार्ट है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे आपको ये पूछा है कि अर्ली अटेम्प्ट जो डोबरनियर न्यूलैंड और मेंडलीफ ने जो लिए थे जिनके बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी बेस्ड है, उनके एक एक एडवांटेज और लिमिटेशंस बताइए। सेकेंड पार्ट में आपको साइंटिस्ट का नाम पूछा है जिन्होंने एटॉमिक नंबर को बेसिस दिया था, और तीसरे पार्ट में आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट पूछा है। तो इसको आप मार्क्स वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो पहला पार्ट है वो आपका डेफिनेटली 3 मार्क का है, सेकेंड और थर्ड पार्ट आपका एक एक मार्क्स का है। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है इसको आप इस टेबल की तरह भी बना के लिख सकते हैं कि क्या कि डोबरनियर का एडवांटेज क्या था। डोबरनियर पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप करने की कोशिश की थी और इनके ट्रायड्स ने काफी सारे एलिमेंट्स को ग्रुप भी कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे और हायर एलिमेंट्स आपके डिस्कवर होते गए तो ये ट्रायड्स आपके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में फेल होते गए। फिर जो आपके न्यूलैंड थे इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करा, और फिर उन्होंने ये नोटिस करा कि वो एवरी एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो आपके फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर थी, तो इन्होंने उसको म्यूजिक नोट्स से कंपेयर करा जिसकी मदद से वो पहले दो पीरियड्स को आपके ग्रुपिंग अच्छे से कर पाए थे। लेकिन अगेन जैसे जैसे और एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो इनको वो अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से कई बार कुछ ऐसे एलिमेंट्स एक साथ में ग्रुप हो जाते थे जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थी। फिर आए थे मेंडलीफ जिनके बेसिस पे आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बेस्ड है। तो मेंडलीफ ने क्या करा, मेंडलीफ ने आपके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से एलिमेंट्स को अरेंज करा, और उसके बाद में उन एलिमेंट्स को अरेंज करके उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी जिसकी मदद से उन्होंने कुछ नए एलिमेंट्स को भी प्रेडिक्ट करा था। ये एक मेंडलीफ का बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जिसकी मदद से उनको इतना माना जाता है। लेकिन इनका एक डिसएडवांटेज भी था, क्या कि वो अपने ही लॉ में जो एक्सेप्शंस थे उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि क्यों कुछ एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज नहीं करके उन्होंने उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा उन्होंने वेटेज दिया। अब हम इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे आते हैं जहाँ पे हमसे ये पूछा है कि उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को ज्यादा वेटेज दिया। तो उन साइंटिस्ट का नाम है हेनरी मोजले, जिन्होंने आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी दिया है। तो उन साइंटिस्ट का नाम है हेनरी मोजले। तो हेनरी मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया है उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका स्टेटमेंट ये है कि आपके एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जिसके बेसिस पे आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। हाय स्टूडेंट्स, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा एंड्रॉइड ऐप अवंती गुरुकुल अब गूगल प्ले स्टोर पर लाइव हो चुका है। इस मंजिल तक पहुंचने में हमारी मेहनत से ज्यादा आप सब यानी कि हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का सबसे बड़ा हाथ रहा है। जिस तरीके से आपके प्यार और सपोर्ट ने 2 ही साल में हमारी यूट्यूब कम्युनिटी को 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स दिलाए, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार अवंती गुरुकुल ऐप भी आपकी प्यार की वजह से आसमान की ऊंचाइयां छुएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें, और जिन्होंने हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिया है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को रिव्यू जरूर करें। आपके इसी प्यार और सपोर्ट के लिए a huge thank you on behalf of me and the entire Avanti family. Happy learning!